जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्राणायाम, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब मुझे अपने मन पर छाए हुए गुबार को, पहले के लम्हे की कोई भी बात को, चाहे वो एक महीना, एक साल या 15 साल पुरानी है, आई मस्ट टेक इट आउट, अदरवाइज आपको इतना ज्यादा उसका टैक्स भरना पड़ेगा रिलेशनशिप में, फिजिकल हेल्थ में. रिफाइनिंग मतलब हम अपने दिमाग में जो गुबार भरा हुआ है उसको बाहर निकाल रहे हैं. जिंदगी का मजा नम्रता में है, जिंदगी का आनंद क्षमा भाव में है, लेकिन हम नहीं कर पाते, ईगो आता है आगे, बातें जकड़ लेती हैं दिमाग में, इसने ऐसा किया है मेरे साथ में, क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया, आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, दिस वी टेल अवरसेल्व्स. रिजल्ट क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा है कि जलता हुआ कोयला अगर हम हाथ में लेकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं किसी और के ऊपर हम फेंक कर मारेंगे, हाथ तो मेरा अपना जल रहा है. तो दिस क्या करता है कि ईगो को घटाता है. और फिजिकल लेवल पर अगर हम देखने जाएं तो हमारे फेफड़ों के तीन, फेफड़ों के लोअर लोब जो होते हैं, बाईं तरफ दो फेफड़े हैं, लेफ्ट सॉरी बाईं तरफ दो फेफड़े हैं, सेक्शंस लोअर एंड अपर, लोअर में, अपर में हार्ट जाता है, और फिर यहां पर तीन, लोअर मिडिल एंड अपर. लेकिन हम लोग क्या है, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, चिंतित, भयभीत, अशांत, बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, वी बिकम क्वाइट, वी लूज अवर टेम्पर वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ दिस. हमारी पेट की ब्रीदिंग खत्म हो चुकी है, वर ऑल द चेस्ट ब्रीदर्स, राइट, उसकी वजह से, क्योंकि हम सांस तेज लेते हैं, तो दिस एरिया ऑफ द लंग्स रिमेन्स अनयूज्ड. जो लोग मेरे पास आते हैं, बलराम सर हम चल नहीं पाते, मैंने देखा कि 8 दिनों के बाद वो आधा घंटा चल पाते हैं. सच ए ब्यूटिफुल प्राणायाम इज दिस. ये देखिए इस प्राणायाम में क्या होता है, एक ही सांस के 5 टुकड़े, एक ही सांस, रिफाइनिंग एक्सरसाइज. अगर आप टाइप करोगे नेट पे जाके गूगल में, रिफाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 4, एसन तावरिया जी की टेक्निक है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कि हाउ इट वर्क्स ऑन योर ब्रेन, पढ़ना जाके उसमें, रिफाइनिंग एक्सरसाइज, रिफाइनिंग एक्सरसाइज 4th नंबर का प्राणायाम है ये, 6 में से नंबर 4 ही इज ब्यूटिफुली कोटेड कि हाउ इट वर्क्स ऑन द ब्रेन, हमारे दिमाग पर जो ठहरी हुई बातें हैं कैसे उस पर काम करता है प्राणायाम. रेडी, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक ही सांस में, यू कैन सी बोथ ऑफ अस, एक ही सांस के 5 टुकड़े, ये देखिए इस तरह, छोड़ने के पहले थोड़ा पॉज लेना है, और जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं ना ऐसे आपको सांस को बाहर फेंकना है, राइट. ये देखिए, सी सदी भाई करेंगे आप भी, सी आई शो यू, आप करिए, 1 2 3 4 5 होल्ड एंड आउट, अगेन 1 2 3 4 5 होल्ड एंड आउट. छोड़ने के पहले आपको थोड़ा होल्ड करना है, क्योंकि जब हम सांस को रोक लेते तो मेरे शरीर में शक्ति आ जाती है, और अगर मेरा एक्सहेलेशन फोर्सफुल है तो क्या होता है, लंग्स के निचले लोब्स में वापस ये होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, और आपको क्षमता शारीरिक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें. रेडी, नहीं कर सकते वो 3 बार लेंगे मेरे, मैं तो 7-8 बार करता हूं, जितने बार आप ले सकें, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 5 इज द नॉर्मल. नहीं कर सकते, यू आर एस्थमेटिक, तो यू कैन डू फॉर 3 टाइम्स, लेकिन छोड़ने के पहले यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल आउट फोर्सफुली. सभी मेरे साथ ऐसे करो, बस बस बस, राइट राइट, दिस इज राइट वे. ओके, कितने बार करना होता है इसको? 12 बार. नहीं नहीं नहीं, एक बार एक ही सांस के 5 टुकड़े, चाहे वो 3 करो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 8 करो, राइट, अगेन यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड. इट इज नॉट ए कंडीशन, जो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही सांस के कुछ आपको टुकड़े करने होंगे, 3, 4, 5, या फिर उसके आगे भी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा, यू गॉट इट ना. रेडी, चलें सभी, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट, 1 2 3 4 5 होल्ड आउट. देखिए आप लोग हैं ना, बहुत जल्दबाजी करते हैं छोड़ने में, इसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, हाउ यू कैन टॉक टू मी लाइक दैट,
reactive nature, the body is reflecting. Consciously hold karo. Consciously hold karo. See, look at me. यहाँ की बातें बाहर निकालना थोड़ा होल्ड करके निकालो. यू गेट द पावर इन द बॉडी. कोई भी काम मुझे करना है, मुझे इसको सर करना है, बहुत हैवी है, आई कैन नॉट. क्या करूंगा मैं, सांस को रोक लूंगा. ऑटोमेटिक शरीर को शक्ति मिलती है अंतरंग कुंभक में. ओके, लास्ट टू राउंड फिर से करेंगे. 1 2 3 4 5 होल्ड आउट. 1 2 3 4 5 होल्ड आउट. बस